हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री रघुवर्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, आज का हमारा फोकस है एक इनक्रेडिबल योग यानी इनक्रेडिबल कॉम्पोजिशन के ऊपर, जो आयुर्वेदा की एक कॉम्पोजिशन है जिसे हम स्वर्ण पर्पटी कहते हैं। स्वर्ण पर्पटी दोस्तों टैबलेट फॉर्म में आता है और आज हम इस ब्लॉग में इसके लाभ के बारे में जानेंगे कि स्वर्ण पर्पटी है क्या और ये आपके किन किन विकारों पर काम करता है। स्वर्ण पर्पटी जैसे दोस्तों आप नाम से जान जा रहे हैं कि स्वर्ण यानी गोल्ड यानी सोना, तो ये स्वर्ण प्रकरण में आता है आयुर्वेदिक के, यानी जो गोल्ड कॉम्पोजिशंस होते हैं आयुर्वेदिक में वो उसमें आता है। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी धातु होगा या चांदी हो, वर्क हो, सोना हो, रजत हो, ये जितनी भी कॉम्पोजिशन जब आ जाती हैं आयुर्वेदिक में, तो इसका मतलब ये रहता है कि आप एक हायर कॉम्पोजिशंस पर डील कर रहे हो। डील एज इन कि आप अपनी बॉडी में एक ऐसे कॉम्पोजिशंस डाल रहे हैं जो अतुल्य हैं यानी इनक्रेडिबल हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स 0% होते हैं और अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं एक अच्छे समय पे, तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। पर इसका असर जो होता है वो अदर कॉम्पोजिशंस जो आयुर्वेदिक में अलग कॉम्पोजिशंस हैं जिनमें स्वर्ण नहीं डाला जाता है, उससे कई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। धातु एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी में जाते से ही एक्टिव हो जाता है, आपके ब्लड में एकदम से मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपको क्विक रिजल्ट मिलते हैं। और जो भी आपको चीज़ परेशान कर रही होती है, जटिल से जटिल रोगों में स्वर्ण का योग किया जाता है, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये जितने भी स्वर्ण कॉम्पोजिशंस होते हैं यानी जो स्वर्ण प्रकरण के योग जितने भी होते हैं, वो अबव 50 एज यानी जो 50 साल से ऊपर लोग होते हैं उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है जो जटिल होता है, अनक्योरेबल होता है, तो हम स्वर्ण योग में जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं कि बाय बर्थ उनका एक रोग चला आता रहता है जो जो हमेशा से वो परेशान रहते हैं, तो आप उन रोगों में भी स्वर्ण योग दे सकते हैं। स्वर्ण के बहुत सारे योग हैं, आज हम फोकस करेंगे स्वर्ण प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं हम इसके फ़ायदे के, स्वर्ण प्रॉपर्टी आपके शरीर में क्या फ़ायदा करता है। स्वर्ण प्रॉपर्टी दोस्तों पित्त शोधक है, यानी आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शुद्ध करती है यानी उसको बढ़ने से रोकती है, और उसमें जो भी कॉम्पोजिशन होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं उसको शुद्ध करती है। कीटाणुनाशक है, यानी आपकी बॉडी में जितने भी इंसेक्ट्स होंगे या अंदरूनी कीटाणु जो होते हैं पेट में जो हो जाते हैं उनको ख़त्म करता है। बलवर्धक है, बलवर्धक यानी स्ट्रांग है, पावरफुल है, आपकी बॉडी को बल देता है, आपकी स्टेमिना और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। सभी प्रकार के संग्रहणी यानी सभी प्रकार के पाइल्स और पाइल्स के टाइप्स, पाइल्स भी हर तरह का होता है दोस्तों, पाइल्स के टाइप्स होते हैं, उन सभी को ख़त्म करता है। प्रमेह को ख़त्म करता है यानी डायबिटीज़ को ख़त्म करता है। शूल को ख़त्म करता है, जो ओबीस पर्सन होते हैं जिनकी थून निकली रहती है उनको ख़त्म, उस चीज़ को ख़त्म करता है। और पांडु रोग यानी जितने भी पांडु रोग होते हैं यानी जॉइंटिस वगैरह, उन सबको ख़त्म करता है। और इन सभी चीज़ों के साथ वो आपके बल और वीर को बढ़ाता है, यानी ये अच्छा सीमेन बूस्टर भी है। तो स्वर्ण प्रॉपर्टी के काफ़ी अच्छे लाभ हैं, आप इसको ले सकते हैं। अब इसमें जानते हैं कि हम क्या क्या डाला जाता है इसमें, स्वर्ण प्रॉपर्टी को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों स्वर्ण भस्म डाली जाती है। ऑब्वियस ही बात है, जब स्वर्ण प्रॉपर्टी का नाम ले रहे हैं तो उसमें स्वर्ण भस्म का डालना ज़रूरी है। शुद्ध पारा डलता है, जो पारा मरकरी जिसे हम कहते हैं उसको शोधित वर्जन आता है उसका, तो वो डलता है। शुद्ध गंधक डलता है यानी सल्फर, प्योर सल्फर डलता है। रस सिंदूर डाला जाता है। और आखिर में स्वर्ण वर्क, जो स्वर्ण का वर्क आता है, जो उसका पेपर जैसे अपना पेपर फॉइल होता है वैसे ही सोने का वर्क आता है, वो डाला जाता है। तो देखते हैं दोस्तों इसको लेना कैसे, आप स्वर्ण प्रॉपर्टी को ले कैसे सकते हैं। 1 से 2 रत्ती, तो आधा टैबलेट, ये टैबलेट फॉर्म में आता है, तो 1 से 2 रत्ती यानी आधा टैबलेट आपको शहद से लेना है। दिन में 2 बार ले सकते हो या आप एक बार ले सकते हैं। ये जितने भी स्वर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब शहद से जाती हैं, तो यह आपके शरीर को पावरफुल रखेगा। जितनी भी जटाग्नि यानी योग है यानी जो आपकी बॉडी को परेशान कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप स्वर्ण प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। स्वर्ण प्रॉपर्टी का मैंने आपको लाभ बताया, उसमें क्या क्या डलता है वो बताया, और आगे भी इसके बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। देखो आयुर्वेदिक में दोस्तों एक मेडिसिन बहुत सारे काम करती है, फोकस उन्हीं पे किया जाता है जिसका सबसे अच्छा क्योर होता है, मतलब वो चीज़ सबसे अच्छा जिस रोग पे काम करती है उस पे हम फोकस करते हैं। तो स्वर्ण प्रॉपर्टी आपके पांडु रोग, प्रमेह, जितनी भी डायबिटीज हैं, अतिशूल जो होता है जो अपना ओबीस पर्सन होते हैं उन पे अच्छा काम करता है, जिनको कब्ज़ की दिक्कत होती है, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन पे अच्छा काम करता है।
और इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो हृदय संबंधित व्यक्ति होता है, जो हृदय रोगों का पीड़ित है, जो हार्ट डिसीज से पीड़ित है, उनको ये जरूर लेना चाहिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। जितने भी आपके ब्लॉकेजेस हैं या आपको हार्ट ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपको फ़ायदा करेगा। काफ़ी अच्छे लाभ हैं स्वर्ण प्रॉपर्टी के। एंड मेन इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे ब्लॉग्स में जो मैं आपको बताता हूँ, वो सब मेरे पास अवेलेबल है। बेस्ट से बेस्ट कंपनीज आपको मेरे पास मिलेंगी, जो टॉप पिक्स की जाती हैं बड़े बड़े आयुर्वेदिक के द्वारा, वैद्यों के द्वारा, और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उनके द्वारा। वो बात अलग है, बिजनेस अपनी जगह है, पर जो रियल कंपनीज है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं, वो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरे साइड से, और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। कैसे परचेज करना है, परचेजिंग का प्रोसेस आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाता है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो ये छोटा सा ब्लॉग था दोस्तों स्वर्ण प्रॉपर्टी के ऊपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर माई चैनल विद फैमिली फ्रेंड्स। तब तक के लिए।